एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वेडिंग डे के दिन ये फुरिन को पता चलता है कि फेंग तियानी शादी से इनकार करके उसे छोड़कर चला गया है। ये जानकर ये फुरिन शॉक्ड होती है और फेंग तियानी को ढूंढने निकल पड़ती है। वो फ्लाइंग कैरेट से चिल्ला कर बोलती है कि फेंग तियानी, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं यहाँ से कूद कर जान दे दूंगी। तभी वहाँ फेंग तियानी आता है और उसे रूडली शादी से इनकार करते हुए वहाँ से जाने को कहता है। इस पर ये फुरिन फ्लाइंग कैरेट से कूद जाती है तो फेंग तियानी उसे पकड़ लेता है। यहाँ ये फुरिन कहती है कि मुझे पता है कि तुम उसे प्यार करते हो, वरना तुम मुझे क्यों बचाते। उसकी इस बात पर फेंग तियानी उसे ऊपर से गिरने के लिए छोड़ देता है। ये फुरिन नीचे आ गिरती है। इसी टाइम वहाँ से हुआन चेंग गुजर रहा था। उसकी नजर ये फुरिन पर पड़ती है तो वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। यहाँ वो उसका ट्रीटमेंट करके उसे सारी बातें पूछता है तो ये फुरिन उसे सब कुछ बता देती है। सारी बातें जानकर हुआन चेंग को फेंग तियानी पर बहुत गुस्सा आता है, पर ये फुरिन का दिल अब भी नहीं मान रहा था। वो कहती है कि जरूर फेंग तियानी किसी प्रॉब्लम में है, इसीलिए उसने ये सब किया है। प्लीज मुझे एक बार उसे मिलवा दो। उसकी इस बात पर पहले तो हुआन चेंग एग्री नहीं होता और उसके बार बार इंसिस्ट करने पर मान जाता है। इधर टिंग जून अपने पलटन के साथ खंडहर बने स्काई कैस्टल में जाता है और उस कैस्टल को दोबारा से बनाने का ऑर्डर देता है, जिस पर उनमें से एक बंदा बोलता है कि इस काम को करने में हमें एक ऐसा बंदा भी चाहिए जिसे मशीनों का अच्छा नॉलेज हो। इस पर टिंग जून लुओलिन से हुआन चेंग को ढूंढ कर लाने के लिए कहता है। यहाँ असासिन गर्ल को टिंग जून का ये डिसीजन अच्छा नहीं लगता। पैलेस पहुँच कर वो इस बारे में टिंग जून के असिस्टेंट से डिस्कस करती है तो वो कहता है कि प्रिंस लुओलिन के कहने में आकर इविल होते जा रहे हैं, हमें उन्हें समझाना चाहिए कि वो लुओलिन का साथ छोड़ दें। असासिन गर्ल कहती है कि मुझे ये तियान याची भी कुछ ठीक नहीं लगता, हमें प्रिंस को इन सब से दूर रहने के लिए समझाना होगा। इतना कहकर वो सीधा टिंग जून के पास जाती है और तियान याची समेत सभी लोगों को पहले से निकालने के लिए टिंग जून को समझाने लगती है। तभी वहाँ तियान याची आकर उसे मार देता है। तभी टिंग जून पर भी स्ट्रोक पड़ता है तो तियान याची उसे एक मेडिसिन देता है जिसे खाकर टिंग जून बेटर फील करता है। इधर तीनों मास्टर फेंग तियानी के चले जाने से काफी ज्यादा नाराज थे क्योंकि उनका पूरा प्लान चौपट हो गया था। वो फेंग तियानी को भगाने का जिम्मेदार प्रिंस रेजेंट को ठहराते हैं। प्रिंस रेजेंट कहता है कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इधर हुआन चेंग जख्मी ये फुलिन को लेकर फॉरेस्ट में एक जगह पहुँच चुका था। वो ये फुलिन से कहता है कि सिस्टर आप जख्मी है, आप यहीं पर रेस्ट कीजिए, मैं फेंग तियानी को लेकर यहीं पर आता हूँ। इतना कहकर वो पैलेस में फेंग तियानी को लेने जाता है, पर पैलेस में पहुंचने पर फेंग तियानी उसके साथ काफी रूड बिहेव करता है और ये फुलिन से मिलने के लिए मना कर देता है। इस पर बेचारा हुआन चेंग वापस ये फुलिन के पास आकर सारी बातें बता देता है। ये फुलिन कहती है कि फेंग तियानी बिना किसी वजह के ऐसा नहीं करेगा, जरूर वो किसी प्रॉब्लम में है, मैं बिना उसे मिले नहीं जाऊंगी, मुझे यकीन है कि वो मुझसे मिलने आएगा। हुआन चेंग उसे समझाने की कोशिश करता है पर ये फुरिन उसे जाने के लिए कहती है तो हुआन चेंग वहाँ से चला जाता है। ये फुरिन काफी देर तक फेंग तियानी का वेट करती है। फेंग तियानी उसे मिलने आता है और उसे बताता है कि मैंने तुम्हारा इस्तेमाल बस खुद को उड़ने लायक बनाने के लिए किया है, मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया, मैं विंग क्लैन का किंग हूँ, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें अपनी क्वीन बनाऊंगा। उसकी ये सारी बातें सुनकर ये फुरिन हर्ट होकर वहाँ से चली जाती है। फेंग तियानी भी काफी सैड था पर ये फुलिन को सेव करने के लिए उसका ऐसा करना जरूरी था। घर वापस आकर वो जीसू के दिए बॉक्स को देखकर ये फुलिन को याद कर रहा था। तभी उसका एक आंसू बॉक्स पर गिरता है जिससे वो बॉक्स मैजिकली ओपन हो जाता है। इस बॉक्स में ये फुलिन और उसके फादर के साथ बिताए गए मोमेंट्स उसे नजर आते हैं जिन्हें देख कर वो और भी ज्यादा सैड होता है। इधर कुछ मिनिस्टर्स प्रिंस रेजेंट के पास आकर स्काई कैस्टल के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि अगर ह्यूमन क्लैन वालों ने वो कैस्टल बनाकर तैयार कर लिया तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ये बात जानकर प्रिंस रेजेंट सोच में पड़ जाता है। इधर स्काई कैस्टल के बारे में सुनकर तीनों मास्टर्स टिंग जून से मिलने जाते हैं पर टिंग जून उन्हें बाहर ही रोक कर रखता है। इस बात से वो काफी ज्यादा इरिटेट हो रहे थे। तभी वहाँ लुओलिन आता है और एक जहरीला धुआं सूंघा कर उन तीनों को अरेस्ट कर लेता है। इस बात से नाराज टिंग जून का असिस्टेंट टिंग जून के पास जाकर शिकायत करता है और कहता है कि प्रिंस वो तीनों आपके मास्टर हैं, आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। पर टिंग जून तो पूरी तरह से तियान याची और लुओलिन के बहकावे में आ चुका था। वो उसे डांट डपट कर वहाँ से भेज देता है। उसके जाने के बाद तियान याची
3 जून को तीनों मास्टर्स के पास से मिला फ्लोरा अमुलेट दिखाता है, जिसमें टिंग जून यी फुलिन को रोते हुए देखता है। ये देखकर टिंग जून तुरंत यी फुलिन को लाने का ऑर्डर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टिंग जून के बुलाने पर हुआनजिंग पैलेस आ गया था। टिंग जून उसे स्काई कैस्टल ले जाता है और उसे जीसू और बायजू की मौत की खबर सुनाते हुए कहता है कि उन्हें फेंग तियानी ने मारा है ताकि वो स्काई कैस्टल ना बना सके। अब हुआनजिंग, जो कि पहले से ही फेंग तियानी पर काफी गुस्सा था, वो टिंग जून की बात पर यकीन कर लेता है, जिस पर टिंग जून उसे अपनी बातों में उलझा कर स्काई कैस्टल दोबारा से बनाने के लिए एग्री कर लेता है। इसके बाद टिंग जून के साथ ही यी फुलिन को भी पैलेस ले आते हैं। इधर लुअलिन तीनों मास्टर्स को जहर मिला खाना देता है, पर सही टाइम पर टिंग जून का असिस्टेंट आकर उन्हें सेव कर लेता है और उनसे वादा करता है कि वो बहुत जल्द उन्हें वहां से छुड़ा लेगा। इधर यी फुलिन को होश आता है तो टिंग जून उसे अपने प्यार का इजहार करता है, जिस पर यी फुलिन उसे ये कहकर मना कर देती है कि अब सब कुछ बदल चुका है, मैं अब आपको बस अपना ब्रदर समझती हूँ। इस पर टिंग जून उसे माफी मांगते हुए उसे एक और चांस देने के लिए कहता है। इसी दौरान उसे स्ट्रोक पड़ने लगते हैं। यी फुलिन कहती है कि इससे अच्छा तो मैं अपने फादर के पास चली जाऊँ। यहाँ टिंग जून उसे क्वीन और उसके फादर के मरने के बारे में बताता है, जिसे सुनकर यी फुलिन शॉक्ड हो जाती है। टिंग जून वहाँ से किसी तरह गिरते पड़ते तियान याची के पास जाता है और उसे कहता है कि सब कुछ उस फेंग तियानी की वजह से हो रहा है, चाहे मैं जो कुछ भी कर लूं, पर फिर भी शायद मैं यी फुलिन को अब नहीं पा सकता। इस पर तियान याची कहता है कि बस एक तरीका है जिससे तुम यी फुलिन को पा सकते हो, अगर तुम उस फेंग तियानी के साथ अपनी डेस्टिनी एक्सचेंज कर लो तो तुम यी फुलिन के फेटेड लवर बन जाओगे, पर इस काम के लिए तुम्हें फेंग तियानी को यहाँ बुलाना पड़ेगा। इस पर टिंग जून अपने एक बंदे को आर्टिफिशियल विंग्स के साथ विंग क्लैन के पैलेस भेजता है, जिसे टांगमो पकड़कर प्रिंस रेजेंट के सामने पेश करता है। वो मैसेंजर प्रिंस रेजेंट को बताता है कि ह्यूमन क्लैन के किंग ने विंग क्लैन के किंग को अपने पैलेस में इनवाइट किया है, अगर उन्होंने जाने से मना कर दिया तो हमारे किंग सीधा विंग क्लैन पर हमला कर देंगे। इस पर प्रिंस रेजेंट सोच में पड़ जाता है और डिसाइड करता है कि वो खुद टिंग जून से मिलने जाएगा। इधर टिंग जून का असिस्टेंट यी फुलिन को बताता है कि टिंग जून ने तीनों मास्टर्स को कैद करके रखा हुआ है, अगर वो तहखाने की चाबी टिंग जून के रूम से ले आए तो वो उन्हें छुड़ा लेगा। इस पर यी फुलिन ऐसा ही करती है, वो चाबी ले जाकर उसे दे देती है, जिससे वो तीनों मास्टर्स को छुड़ा लेता है। सभी वहां से भाग रहे थे तभी वहां लुअलिन की टीम आकर उन्हें घेर लेती है, जिस पर उन सभी में फाइट स्टार्ट हो जाती है और इस फाइट में मास्टर जिंगो जुआन और मास्टर जिंग इंची की मौत हो जाती है। मरने से पहले मास्टर जिंग इंची सेकेंड मास्टर को सारी बातें बताने के लिए विंग क्लैन के पैलेस भेज देते हैं। इसी दौरान वहां यी फुलिन आती है। सारा नजारा देखकर उसके होश फाख्ता हो गए थे, वो उन लोगों से फाइट करने लगती है। तभी वहां टिंग जून भी आ पहुंचता है। लुअलिन उसे बताता है कि तीनों मास्टर्स विंग क्लैन हमारी इन्फॉर्मेशन देने जा रहे थे। असिस्टेंट कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। टिंग जून उसे डांट कर कहता है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही ने इन्हें भागने में मदद की है। इस पर यी फुलिन उसे एक थप्पड़ जड़ देती है और कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं भी इसमें शामिल हूँ, तुम्हारे रूम से तहखाने की चाबी मैं ही लेकर आई थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ऐसे भी हो सकते हो। इस पर टिंग जून उसे भी ले जाकर बंद कर देने का ऑर्डर देता है। इधर फेंग तियानी प्रिंस रेजेंट को टिंग जून के पास जाने के लिए तैयार होता हुआ देखता है। पीयू ने उसे सारी बातें बता दी थी। वो प्रिंस रेजेंट से कहता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किंग मैं हूँ, इसीलिए मैं जाऊँगा। इतना कहकर वो सीधा ह्यूमन क्लैन के पैलेस आता है, जहाँ टिंग जून उसे यी फुलिन की धमकी देकर कैद कर लेता है। इसके बाद टिंग जून को पता चलता है कि लुअलिन ने यी फुलिन को कुछ नशीले ड्रग्स दिए हैं, जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस हो चुकी है। ये जानकर वो लुअलिन को गुस्से में मार देता है। इसके बाद तियान याजी उसके और फेंग तियानी की डेस्टिनी को जादू टोना करके एक्सचेंज कर देता है, जिसके बाद टिंग जून सीधा यी फुलिन के पास चला जाता है। इधर सेकंड मास्टर प्रिंस रेजेंट के पास पहुंचकर दोनों मास्टर्स की मौत के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि हुआनजिंग स्काई कैस्टल को बना चुका है। ये सुनकर प्रिंस रेजेंट परेशान हो जाता है, क्योंकि फेंग तियानी का भी अब तक कुछ पता नहीं था। इधर टिंग जून यी फुलिन और अपना ब्लड फ्लोरा एमलेट पर डालकर कुछ जादू टोना करके यी फुलिन की मेमोरी इरेज कर देता है, जिससे वो गॉडेस ऑफ फ्लोरा स्टार साओयू में कन्वर्ट हो जाती है। इसी टाइम आसमान में ढेर सारी बिजलियां कड़कने लगती हैं और फ्लोरा ऑफ शूटिंग स्टार के पॉलन गिरने लगते हैं, जिसे ऑब्जर्व करके स्काई कैस्टल भी धीरे धीरे आसमान में ऊपर उठ रहा था। इधर फेंग तियानी को होश आता है,
तो तियान याजी उसे बताता है कि स्काई कैस्टल एक्टिवेट हो चुका है, अब उसे ले जाकर विंग क्लाइन वालों पर क्रैश किया जाएगा। वो उसे ये भी बताता है कि मैंने तुम्हारी डेस्टिनी तिंग जून के साथ एक्सचेंज कर दी है। अब तिंग जून जैसे ही ये फुलिन को किस करेगा वैसे ही वो एसेस में कन्वर्ट हो जाएगी। मैंने स्काई कैस्टल में भी न्यूक्लियर बॉम्ब लगा रखा है जिससे एक बड़ा ब्लास्ट होगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर मैं एक नई दुनिया की शुरुआत करूंगा और सारी बागडोर मेरे हाथ में आ जाएगी। उसकी बात सुनकर फिंतियानी परेशान होता है। इसके बाद वो उसे अपने पास से निकाल कर एक अम्ब्रेला टोकन दिखाता है जो कि तियान याजी के मास्टर का था। तियान याजी उसे हासिल करना चाहता था पर जब उसके मास्टर ने देखा कि वो कितना इविल है तो उन्होंने उसे अपनी एकेडमी से ही निकाल दिया था। तियान याजी उसे वो अम्ब्रेला मांगता है जिसे फेंग तियानी कहता है कि मुझे जाने दो, मैं तुम्हें ये अम्ब्रेला टोकन दे दूंगा। तियान याजी उसे एक मेडिसिन देते हुए कहता है कि इसे खा लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फेंग तियानी उसे खा लेता है जिससे उसके विंग्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उसके उड़ने की एबिलिटी खत्म हो जाती है। तियान याजी उसे आजाद कर देता है। इसके बाद वो उस अम्ब्रेला को लेकर ओपन करता है तो वो उड़ने लगता है। तभी पीछे से फेंग तियानी उस पर वार करके उसे मार देता है। इसके बाद वो स्काई कैस्टल को रोकने के लिए जाता है जहां लुओलिन के लोग उसे घेर लेते हैं। वो हुआन जिंग से स्काई कैस्टल को रोकने के लिए कहता है। हुआन जिंग कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब इसे रोका नहीं जा सकता। अब तुम्हें सिस्टर स्वांग फेई, मास्टर और सिस्टर यी फुलिन को हर्ट करने का अंजाम भुगतना होगा। सभी लोग फेंग तियानी पर हमला कर देते हैं। फेंग तियानी हुआन जिंग को समझाता है कि उसने जीसू को नहीं मारा, न ही स्वांग फेई की मौत में उसका कोई हाथ है और यी फुलिन के साथ जो कुछ भी उसने किया वो भी उसे सेव करने के लिए किया है। तभी हुआन जिंग को जीसू की बात याद आती है। उसने उसे बताया था कि बायजू के इविल माइंड को जानने के बाद उसके लिए उसका प्यार खत्म हो गया था। इस पर हुआन जिंग सोचता है कि अगर ये बात सच है तो मास्टर जीसू बायजू के साथ कोलैबोरेट क्यों करेंगे और फेंग तियानी उन्हें क्यों मारेगा। जरूर तिंग जून ने मुझे सब कुछ गलत बताया है। ये बात समझ आते ही हुआन जिंग फेंग तियानी का फाइट करने में साथ देने लगता है। देखते ही देखते वो दोनों सभी लोगों को खत्म कर देते हैं। इसके बाद हुआन जिंग कहता है कि मैं यहाँ स्काई कैस्टल को रोकने का आइडिया सोचता हूँ, आप जाकर सिस्टर यी फुलिन को सेव करो। फेंग तियानी उसे बताता है कि मैं अब उड़ नहीं सकता, मैं उसे जाकर कैसे बचाऊंगा। इस पर हुआन जिंग उसे आर्टिफिशियल फ्लाइंग मशीन देता है जिसकी हेल्प से फेंग तियानी यी फुलिन को बचाने के लिए निकल पड़ता है। इधर यी फुलिन खुद को साओ यू और तिंग जून को पियानियो समझ रही थी। यहाँ तिंग जून उसे किस करता है। तभी वहाँ फेंग तियानी पहुँच कर उसे खंजर से स्टैब कर देता है। ये देख कर यी फुलिन बौखला उठती है जिस पर फेंग तियानी उसे वो लॉकेट दिखाता है जो उसने उसे दिया था। लॉकेट को देखते ही यी फुलिन को सब कुछ याद आ जाता है पर अब देर हो चुकी थी क्योंकि तिंग जून और यी फुलिन ने एक दूसरे को किस कर लिया था। यी फुलिन और तिंग जून छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये देखकर फेंग तियानी सदमे में आ जाता है। इधर प्रिंस रेजेंट अपने लोगों को सेव करने के लिए टोंगमो के साथ कुछ सोल्जर्स को फ्लाइंग कैरेज के साथ स्काई कैस्टल को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजता है। इधर स्काई कैस्टल में हुआन जिंग को एक आइडिया आता है और वो उसके कोर से उस पॉट को ही निकाल लेता है जिसमें फ्लोरा ऑफ शूटिंग स्टार के पॉलन इकट्ठा हुए थे। वो उस पॉट को लेकर ऊपर से नीचे कूद जाता है जिससे पॉट में मौजूद कुछ पॉलन हवा में बिखर जाते हैं और अब उन पॉलन के इफेक्ट से हुआन जिंग के भी विंग्स निकल आते हैं जिससे वो काफी ज्यादा खुश होता है। इधर प्रिंस रेजेंट और बाकी लोग दूर से स्काई कैस्टल को टूट कर गिरता हुआ देख रहे थे। उनके सर से एक बड़ी मुसीबत टल गई थी पर स्काई कैस्टल को डिस्ट्रॉय करने गए सारे सोल्जर्स वहीं पर मारे जाते हैं। हुआन जिंग बाकी बचे पॉलन को लेकर प्रिंस रेजेंट के पास आ जाता है। प्रिंस रेजेंट सभी मरे हुए सोल्जर्स की समाधि बनाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करता है जिसके बाद हुआन जिंग भी सबको छोड़कर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे पीयू प्रिंस रेजेंट को फेंग तियानी का लेटर लाकर देता है जिसमें फेंग तियानी थ्रोन को प्रिंस रेजेंट को संभालने के लिए कहता है। वो कहता है कि मुझे यकीन है कि यी फुलिन कहीं ना कहीं जरूर होगी, वो इस तरह एसेस में कन्वर्ट नहीं हो सकती, इसीलिए मैं उसे पूरे नोगोलैंड में ढूंढने जा रहा हूँ। इसके बाद होता भी ऐसा ही है। प्रिंस रेजेंट बेचारा थ्रोन को संभालता है और फेंग तियानी दुनिया के हर कोने में यी फुलिन को ढूंढने निकल पड़ता है। काफी साल वो उसे हर जगह तलाश करता है। उसके बाल सफेद हो जाते हैं और वो बूढ़ा हो जाता है। एक दिन वो देखता है कि एक छोटी लड़की जो कि यी फुलिन की तरह लग रही थी और एक छोटा लड़का जो कि तिंग जून की तरह ही दिख रहा था, वो दोनों उसी जगह खेल रहे थे जहां वो डिसअपीयर हुए थे।
शायद वो उन दोनों का रीइंक्रिएशन था। ये देखकर फेंग तियानी काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होता है। उसने जिस यी फुलिन को दुनिया के हर कोने में ढूंढा, वो अब शायद उसकी डेस्टिनी में नहीं थी। इसी के साथ ड्रामा एंड हो जाता है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये एंडिंग हमारी ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जब इस ड्रामे का लास्ट पार्ट ऑन एयर हुआ तो ऑडियंस में भारी आक्रोश उमड़ आया। सबने मिलकर एंडिंग को चेंज करने की मांग की, जिस पर ड्रामे के लास्ट एपिसोड को दोबारा से शूट किया गया, जिसमें सारी स्टोरी तो सेम ही थी, बस चेंजिंग फेंग तियानी और यी फुलिन के लिए की गई थी। इस एंडिंग के अकॉर्डिंग जब तिंग जून यी फुलिन को किस करने जा रहा था, उसी टाइम फेंग तियानी वहां आकर उसे स्टैप करके मार देता है, जिससे यी फुलिन बौखला जाती है और फेंग तियानी पर हमला करने लगती है। फेंग तियानी उसे किसी तरह करके फ्लाइंग कैरेज के अंदर ले जाता है, जहां उसकी नजर उसके फादर के दिए गए मेमोरी बॉक्स पर पड़ती है। वो उसमें अपने और फेंग तियानी के साथ बिताए गए मोमेंट्स को देखती है, जिस पर उसे सब कुछ याद आ जाता है और वो फेंग तियानी को पहचान जाती है। इसके बाद फेंग तियानी थ्रोन प्रिंस रेजेंट के हवाले करके यी फुलिन के साथ पूरी दुनिया घूमने निकल पड़ता है। इसी के साथ इस बारिश ड्रामे के सीजन 1 की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस ड्रामे का सीजन 2 भी एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।